दोस्तों, अगर आप भी सीएससी सेंटर संचालक हैं और आप अगर डिजीपे चलाते हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपने डिजीपे को कैसे अपडेट करते हैं। जी हां दोस्तों, समय समय पर डिजीपे अपने नए वर्जन को लाता है और जो पुराना वर्जन है वो काम करना बंद कर देता है। ऐसे में आपको नहीं पता होता है कि इसे हमें कैसे अपडेट करना है, तो इस वीडियो में हम नए वर्जन को अपडेट करके बताएंगे कैसे आपको ये अपडेट करना है। अभी फिलहाल जैसे आप देख सकते हैं, ये हमारा पुराना वर्जन है और जब हम इसे प्रोसीड करेंगे तो देखिये यहाँ पर हमें एक मैसेज आएगा कि ये हमें पुराना वर्जन है और हमें नया वर्जन डालना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, on your version DGPay available for your device, upgrade to the latest version, proceed। तो फ्रेंड्स, हमें लेटेस्ट वर्जन डालना है, तो ये हम कैसे डालेंगे, इसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा जिससे आप पूरी जानकारी जान पाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फिलहाल फ्रेंड्स, हम इस पुराने वर्जन को यहां से हटा देते हैं, क्लोज कर देते हैं और हमें क्या करना है, कंट्रोल पैनल में जाके इसे अनइंस्टॉल करना है। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं यहां पे, देखिए सर्च में, और यहां पर हम लिखते हैं कंट्रोल पैनल। ये देखिए आ गया कंट्रोल पैनल और हम कंट्रोल पैनल को खोलेंगे। कंट्रोल पैनल को हमारे सामने खुलने के बाद यहाँ पर जाएंगे हम प्रोग्राम एंड फीचर्स में और यहाँ से देखिए जहाँ भी हमारा डीजीपे है यहाँ से हम इसे अनइंस्टॉल कर देंगे। ये देखिए हमने इंस्टॉल कर दिया, यस करेंगे हम यहाँ से जिससे हमारा पूरा यहाँ पर इंस्टॉल हो जाए। ये देखिए अनइंस्टॉल हो रहा है, ओके करना है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको चले आना है अपने सी ड्राइव में और यहाँ पर जो भी देखिए डीजीपे के सॉफ्टवेयर है यानी कि डीजीपे का जो भी फोल्डर है उसे हटा देना है। जैसे देखिए यहाँ पर है सीएससी ई गवर्नेंस, तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी यहाँ पर और कोई दिखता है तो आप क्या करेंगे, उसे यहाँ से हटा देंगे। तो चलिए ये काम आपने कर लिया, अब आपको क्या करना है कि अब आपको नया जो डीजीपे का सॉफ्टवेयर है उसे डाउनलोड करना है। तो नया डीजीपे डाउनलोड करने के लिए आपको आना है इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है डीजीपे जो नया वर्जन आया है वो है 7.5 और यहाँ से क्या करेंगे आप डाउनलोड पे करेंगे क्लिक। तो ये देखिए हमारा हो गया डाउनलोड। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर डीजीपे का जो नया सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हो गया है। हम इसे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। हम तो एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे और ये देखिए यहाँ पर ये फोल्डर आ गया, हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और ये देखिए हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया है। जैसे ही आपका एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो एक्सट्रैक्ट होने के बाद ही आपको क्या करना है, इसे खोलना है। खोलने के बाद ये देखिए नया आपका डीजीपे सॉफ्टवेयर इसके अंदर है 7.5। आपको इस पर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर दिखाएगा रन एस एडमिनिस्टर, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे ये आपका इस प्रकार से लिखा आएगा, आपको मोर इन्फो पे क्लिक करना है और यहाँ पर रन एवे पे क्लिक करना है। जैसे आप रन एनीवे पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से देखिए एक पॉपअप आएगा, आपको इसे यस करना है और ये आपका यहाँ पर इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, फिर आपको नेक्स्ट करना है, फिर आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ से देखिए फिर से फोल्डर आ जाएगा, आपको नेक्स्ट करना है। क्रिएट अ डेस्कटॉप शॉर्टकट पे आपको क्लिक करना है जिससे डेस्कटॉप पे इसका आइकॉन बन जाए, फिर आपको नेक्स्ट करना है, फिर आपको इंस्टॉल करना है। आप कुछ सेकंड का वेट करना है जब तक ये इंस्टॉल होता है। इसके बाद देखिए इस प्रकार से आएगा, यहाँ पर आपको फिर से क्या करना है, नेक्स्ट करना है। तो चलिए हम यहाँ नेक्स्ट कर देते हैं और यहाँ पर देखिए लॉन्च डीजीपे के लिए आएगा, तो इसे अभी आपको चकमक हटा देना है और आपको फिनिश कर देना है। तो ये आपका डीजीपे जो है हो गया इंस्टॉल और अभी हम चलेंगे डेस्कटॉप पर। तो देखिए डेस्कटॉप पे इसका ये आइकॉन बन के आ गया है, हम क्या करेंगे इसे ओपन करेंगे। तो चलिए हम इसे डबल क्लिक करके इसे ओपन करते हैं और आप चाहें तो रन एस एडमिनिस्ट्रेटर पे इसे रन भी करा सकते हैं। तो चलिए कुछ सेकंड का वेट करते हैं जब तक ये यहाँ पर ओपन होता है, क्योंकि पहली बार में ये टाइम लगता है। तो देखिए ओपन हो गया है, यहाँ पर डालेंगे हम अपनी सीएससी आईडी और सीएससी आईडी डालने के बाद यहाँ पर देखिए चकमक लगाएंगे और प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए सीएससी आईडी भर ली हमने, चेकमार्क लगाया है, उसके बाद हम प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद क्योंकि अब हमसे ये वेरीफाई करने को बोलेगा तो हमें यहाँ पर अपने आप को वेरीफाई कराना है। तो चलिए यहाँ पर हम इसे वेरीफाई कराते हैं। तो देखिए वेरीफाई कराने के लिए बोल रहा है कि रजिस्टर्ड मोबाइल से कराएंगे, ईमेल से कराएंगे या ईमेल या मोबाइल दोनों में से किसी से कराएंगे। तो फ्रेंड्स हम यहां से मोबाइल से ही करा लेते हैं, तो हम जनरेट ओटीपी पे करेंगे क्लिक और ये हमारे मोबाइल पे एक ओटीपी को भेजेगा जो सीएससी के साथ रजिस्टर्ड है। तो चलिए देख लेते हैं हमारे मोबाइल पे कोई ओटीपी आता है और यहाँ पर देखिए बॉक्स आ गया है ओटीपी डालने के लिए और हम मोबाइल में देख लेते हैं हमें कोई ओटीपी मिला है या नहीं। तो ओटीपी आ गया है, हम यहाँ पे ओटीपी भरते हैं 555। देखिए हमने ओटीपी डाल लिया है, हम वेरीफाई ओटीपी पे करेंगे क्लिक और ये देखिए वेरीफाई हो गया।
अब हमें क्या करना है, ऑथेंटिकेट कराना है फिंगरप्रिंट मशीन से। तो आपके सिस्टम में फिंगरप्रिंट मशीन पहले से इंस्टॉल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम चेकमार्क लगाएंगे और ऑथेंटिकेट के बटन पे क्लिक करेंगे, तो हमारे जो फिंगरप्रिंट मशीन है उसका लाइट यहाँ पर जलेगा, और जलने के बाद आपको यहाँ पर फिंगर रख के अपने आप को वेरीफाई कराना है। तो देखिए हमारे फिंगरप्रिंट का जल गया है लाइट, हमने इस पर रखा है अपना फिंगर, कोई भी आप फिंगर रखिए, यहाँ पर एक बीप की आवाज़ आएगी और आपका फिंगर स्कैन कर लिया जाएगा। अब कुछ सेकंड का आपको यहाँ वेट करना है और ये सॉफ्टवेयर देखिए आपका इस प्रकार से ओपन हो जाएगा बड़ी ही आसानी से, आपको कोई मशक्कत नहीं करनी है। और ये देखिए हमारा एप्लीकेशन ओपन हो गया है, यहाँ पर देखिए आप वॉलेट बैलेंस भी देख सकते हैं और यहाँ पर हमारी CSC ID है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या क्या है हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए है विड्रॉल का, फिर है मिनी स्टेटमेंट, फिर है यहाँ पर देखिए बैलेंस, वॉलेट टॉपअप, कार्ड पिन वाला, पे आउट, पासबुक, और उसके बाद है यहाँ पर लॉग्स। तो फ्रेंड इस प्रकार से यही आपको अपडेट करना है और इस प्रकार से आपका ये डैशबोर्ड जो है दिखाई देता है और यही सारी सेवाएं होती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी और इस प्रकार से आप अपने DGPay को अपडेट कर लेंगे। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करिएगा और अगर आपको कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।